हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस। और आज है 9th ऑफ दिसंबर। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पहले देखते हैं, देखिए एडिटोरियल में क्या क्या हमें डिस्कस करना है। देखिए ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ है कि 3 साल से जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ही नहीं हुए हैं। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्या कारण थे, वो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है इलेक्शन हर 5 साल में होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैसे जो है नॉर्म्स को वायलेट किया गया है। यहाँ पे ये एग्जांपल आपको इन ग्रास रूट लेवल का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि देखिए इस तरह नॉर्म्स को आज भी वायलेट किया जाता है। ये सेकेंड आर्टिकल ही सऊदी अरेबिया और US से रिगार्डिंग है। देखिए अभी क्या हुआ है, सऊदी अरेबिया के एक जो इंसान था उसने क्या किया, US में जो है फायरिंग कर दी। ठीक है, तो इस तरह के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं वो इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनको भी नहीं सॉर्ट आउट कर पा रही है और एक्सटर्नल जो इश्यूज़ हैं उनको भी नहीं कर पा रही है। उससे रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है, हम देखेंगे इसको डिटेल में। इसके अलावा ये आर्टिकल है, देखिए ये आर्टिकल जो है और ये वाला आर्टिकल, ये दोनों एक ही आर्टिकल है, कुछ इसमें अंतर नहीं है। दोनों में ही जो अभी आपको पता है एक वाक्य हुआ कि जो एनकाउंटर देखने को मिला और एनकाउंटर से रिगार्डिंग जो ये बार बार बता रहे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस नहीं है ये। ठीक है, उसी से रिगार्डिंग इसमें बोला हुआ है, दोनों आर्टिकल में सेम ही चीज़ बोली हुई है। तो एक ही आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे तो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। वैसे एडिटोरियल में भी वो चीज़ें हम देख चुके हैं लेकिन कुछ नए फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए केस इतना इंपॉर्टेंट केस जो हो गया वो ठीक है, वो इमोशंस को उसको अलग कीजिए आप, लेकिन क्या हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमें वो जानना जरूरी है। ठीक है, हमें क्या एग्जाम में लिखना है और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि आप भी कल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाके बैठेंगे तो आप ये इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए पूरा आर्टिकल इसको हम देखेंगे। इसके अलावा ये आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल है कि देखिए कैसे आने वाली जनरेशन जो है, ठीक है, आने वाली जो सेंचुरी है अभी उसके अंदर इंडिया और चाइना कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्यों इंडिया और चाइना ही जो इतना बड़ा रोल प्ले करेगी और जो एडवांस इकोनॉमीज है वो क्यों नहीं कर सकती। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई है। ये आर्टिकल तो आप सेव करके रख लीजिए, कहीं भी आप इसके फैक्ट्स जो हैं बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये मंडे को आता है, ये पूरा बताते हैं कौन सी न्यूज़ को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये आर्टिकल में भी देखिए इतना ही बताया हुआ कि जो रिमिक्सेस बनते हैं आज के टाइम रिमिक्सेस नहीं बनने चाहिए। बोलते हैं कि कोई भी गाना होता है वो काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है, उसके पीछे काफ़ी हार्डवर्क होता है और आज के रिमिक्सेस से काफ़ी लोग बहुत ऊपर आ गए लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की, सिर्फ जो है थोड़ा सा ट्यूनिंग चेंज कर दी या ट्यून चेंज कर दिया या कुछ म्यूजिक थोड़ा चेंज कर दिया, यानी कि लिरिक्स में कोई चेंज नहीं किया। तो ये इसी के ऊपर पूरा बताते हैं कि देखिए कॉपीराइट, एक तरह से कॉपीराइट तो नहीं बोल सकते, प्लैगरिज्म का एक पूरा तरह से केस रहता है और इतना रिमिक्सेज आ रहे हैं, पहले जो गाने इवन अपलोड हुए हैं जो 10-10 साल से उनको 50 मिलियन लोगों ने देखा है, ठीक है, लेकिन अब जो रिमिक्सेज आते हैं उनको 100 मिलियन लोगों ने देख लिया। तो इस तरह एग्जांपल देते हैं कि रिमिक्सेज जो है ये ठीक नहीं है, एक अपना जो है खुद का गाना क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि रिमिक्सेज पे। ठीक है, तो इतना खास इस आर्टिकल में कुछ है नहीं, बस यही सब बताया हुआ। चलिए डिस्कस करते हैं एडिटोरियल। ये आर्टिकल है लोकल पोल्स रिगार्डिंग। देखिए जैसे मैंने बताया कि 3 साल से तमिलनाडु के अंदर डिले किया गया, 2016 में जो रूरल लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने थे वो अब जाके ये बताते हैं कि हो सकता है अभी दिसंबर में वो इलेक्शन होंगे। तो इससे पता चलता है कि देखिए सिटीज़ है, टाउन है या विलेजेस है, वो अभी तक अनइलेक्टेड जो ऑफिशियल्स थे वो इसको चला रहे थे पिछले 3 साल से, सिटीज़ को भी, टाउन को भी, विलेजेस को भी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए उसके बाद फाइनली अब जो है इस ऑर्डर को जो है अपहेल्ड किया और बोला कि देखिए इलेक्शन कराइए जल्द से जल्द, पहले भी यह बात बोली थी। देखिए अब इशू क्या था, क्यों नहीं करा रहे थे, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। पहले कहते कि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, 1995 या 96 से बात करें तो हर 5 साल में इलेक्शन होते थे तमिलनाडु के अंदर, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन नहीं कराए गए। ठीक है, पिछले 2016 में इलेक्शन होने थे लेकिन अभी 2019 खत्म होने को है, इलेक्शन नहीं कराया गया। देखिए कुछ रीजंस बताए गए, देखिए ये बताते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना जो है नज़र नहीं आया कि इलेक्शन कराने हैं, पॉलिटिकल लिटिगेशंस बार बार देखी गई। देखिए क्या हुआ था, कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे, अब नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे तो उनका डीलिमिटेशन जब होता है, यानी कि कितने लोग किस कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से गाँव आते हैं, नए डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से गाँव आते हैं, तो इस तरह डीलिमिटेशन किया जाता है। ये पूरे इंडिया का भी किया जाता है एक लिमिटेड पीरियड के बाद, 30 साल 50 40 साल के बाद। इसका देखिए नेक्स्ट हमें डीलिमिटेशन करना है 2026 के बाद।
ठीक है, या पॉलिटी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये कह रहे डिलिमिटेशन जब नई डिस्ट्रिक्ट बनी तो उसका करना था लेटेस्ट जो पॉपुलेशन फिगर है 2011 सेंसस की उसके अकॉर्डिंग, और उसी के कारण इतना डिले हुआ। बार बार ये बताया गया कि देखिए अभी ये जो है प्रॉपर नहीं हुआ डिलिमिटेशन, जो हुआ था उसमें काफ़ी जो हाईकोर्ट ने उसने प्रॉब्लम निकाल दी कि ये डिलिमिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, और इसी वजह से जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे और बार बार लिटिगेशन हुई, बार बार कोर्ट में जाया गया और उसके बाद ही इलेक्शन नहीं हुए। ये कहते कि देखिए फ्रीक्वेंटली चेंजेस तो देखने को मिले। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे क्या होता है तमिलनाडु के अंदर, वैसे आपको भी पता है कि कहाँ पे इलेक्शन जो है डायरेक्ट होने चाहिए, कहाँ पे इनडायरेक्ट होने चाहिए। तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ है, ये देखिए पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है कि मेयर का जो इलेक्शन है, ठीक है, मेयर का इलेक्शन या फिर चेयरपर्सन जो होता है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, उसका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन से कराना चाहते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शन से कराना चाहते हैं। ये कहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर क्या था कि 2006 तक जो है ये डायरेक्ट इलेक्शन से कराया जाता था, लेकिन बाद में माइंड चेंज किया गया। ये कह रहे 2016 में क्या था, सिर्फ जो वार्ड के जो काउंसिलर होते हैं, वार्ड काउंसिलर, उनका तो डायरेक्ट इलेक्शन कराया गया, ठीक है, और वो चुनते थे मेयर को और चेयरपर्सन को, लेकिन बाद में इसको फिर चेंज किया गया, यानी कि सेकंड टाइम किया गया कि अनइलेक्टेड तरीके से, फिर किया गया इलेक्टेड तरीके से, यानी कि बार बार सरकार ने 2-3 बार जो है अपना माइंड चेंज किया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये बोलते हैं इट क्लेम दैट देर वॉज ए स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा बोला गया कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, काउंसिलर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आया है, और अगर मेयर और चेयरपर्सन भी जो है म्यूनसिपैलिटीज़ का, उनका भी इलेक्शन अगर डायरेक्ट कराएंगे तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, तो इस तरह के तर्क दिए गए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि चलो आप इलेक्शन कैसे भी कराते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही है लोकल बॉडीज़ की, तो इसकी प्रेस्टीज जो है वो बिल्कुल तरीके से रखनी चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, लेकिन जो फंड है वो तो प्रॉपर डिवोल्व होना चाहिए। देखिए फंड प्रॉपर नहीं जाएगा अगर लोकल बॉडीज़ के पास, 73-74 अमेंडमेंट आया था आपको था 1991-92 में, तो कंपल्सरी हो रहा था कि देखिए सभी स्टेट्स के अंदर, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना है, इलेक्शन हर 5 साल में होना है, अगर इलेक्शन का कुछ इशू होता है या फिर दोबारा री इलेक्शन कराना है तो वो भी 6 महीने के अंदर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है पूरी, और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, देखिए क्वेश्चन भी आया 2010 या 2011 में प्री में, कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, या फिर जो लोकल बॉडीज होती है उसका इलेक्शन कौन कराता है। देखिए जो हमारा नॉर्मल जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन वो नहीं कराता है, लोकल बॉडीज़ के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, ठीक है, वो सिर्फ लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कराता है। तो ये बताते हैं कि देखिए इलेक्शन हर 5 साल में होने चाहिए, फंड जो है प्रॉपर इनके पास जाना चाहिए, म्यूनसिपालिटीज़ के पास, लोकल गवर्नेंस के पास, ग्रास रूट लेवल पे, लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं देखने को मिलता है। आज भी कहीं ना कहीं जो पंचायत है उनकी जो पावर है उनको कहीं ना कहीं पूरा तरह से डिवोल्व नहीं किया गया, ना पावर किया गया है ना फंड किया गया है। देखिए तीन चीज़ों की प्रॉब्लम बताते हैं हमेशा, याद रखिए, ये ARC में दी हुई है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में। सबसे पहली बात है फंड, ठीक है, फंक्शनरीज, राइट, और फंक्शंस, यानी कि तीन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। आज भी फंक्शन जितने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गए हैं वो पूरे इनको मिलने चाहिए, फंड प्रॉपर मिलना चाहिए, और फंक्शनरीज जो काम करने वाला जो एक तरह से मेयर है या जो भी उस लेवल में है तो उनका इलेक्शन प्रॉपर हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आज भी उसमें काफ़ी फ्लोज देखने को मिलते हैं। ये बताते थे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करें तो इसकी जो पावर से बहुत बार अंडरमाइन देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी पावर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, काफी रिडंडेंसी है, यानी कि आज भी पुराने तरीके से ही चीजें चल रही है, कुछ खास चेंजेस नहीं आए बहुत से स्टेट्स में। तो फाइनली कहते थे कि स्टेट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितना जरूरी है, अगर हमें पूरा गांव का डेवलपमेंट करना है या फिर लोकल बॉडी ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट करना है तो इनका ख्याल रखना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, आप ये कहीं भी जो है केस स्टडी की तरह इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए ये सऊदी अरेबिया से, पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ सऊदी अरेबिया की ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। देखिए ये सऊदी अरेबिया ये है, ठीक है, यहाँ पे इससे सऊदी अरेबिया से लड़ता हुआ ओमान, लगता हुआ ओमान, यहाँ पे यमन, यमन के साथ भी आपको पता है हाउदी ट्राइब्स है और उनके साथ काफ़ी लड़ाई चल रही है। उसके अलावा ये UAE है, यहाँ पे कतर है छोटा सा, ठीक है, बहरीन भी है यहाँ पे, यहाँ ऊपर कुवैत है, इराक और जॉर्डन, ठीक है, तो ये कंट्रीज लगती है। सऊदी अरेबिया यहाँ रेड सी से भी टच होती है,
याद रखिए, और पर्शियन गल्फ से भी टच होती है। सऊदी अरेबिया दोनों जो है रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों से टच होती है, लेकिन सऊदी अरेबिया मेडिटेरियन सी से टच नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखिए। उसके अलावा देखिए, आपको पता है यहाँ पे ईरान है, और ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती है, और यूएस जो है सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है ईरान के अगेंस्ट में, ठीक है। यूएस ईरान के अगेंस्ट में सपोर्ट किसको करता है, सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया ईरान में भी नहीं बनती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ है कि अभी डेडली जो है शूटिंग देखने को मिली है कि फ्लोरिडा के जो है पास में सऊदी एक एविएशन स्टूडेंट था, उसने क्या किया, तीन लोगों पे गोली चला दी, तीन लोग जो है उसमें डेथ हो गई, आठ लोग जो है इंजर्ड हो गए। ये बताते कि देखिए ये चैलेंजेस नज़र आ रहा है, सऊदी अथॉरिटी जो है वो इस तरह की इमेज उनकी कहीं ना कहीं खराब हो रही है यूएस के अंदर। देखिए यूएस सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता आया है क्योंकि उनको कंटेन करना है किसको, ईरान को, ठीक है। ईरान को कंटेन करने के लिए, ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया की मदद लेता है। लेकिन ये बोलते हैं कि देखिए अगर इसकी बात करें जिसने अटैक किया था, इसके ट्विटर हैंडल पे भी इसने लिखा हुआ है कि यूएस जो है नेशन ऑफ एविल है, यानी कि बहुत ज्यादा ये शैतानी करते हैं, और ब्लेम भी किया कि देखिए क्राइम नॉट ओनली अगेंस्ट मुस्लिम, ये कहते हैं यूएस सिर्फ जो है क्राइम मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं करता, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी करता है। ऐसे जो ये शूटिंग में इन्वॉल्व था जो इंसान, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर ये चीज लिखी हुई थी। ये कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं देखा हुआ है कि सऊदी नेशनल ने जो है अटैक किया है यूएस की, जो यूएस में लोग हैं उनके या अमेरिकन्स के ऊपर। ये कह रहे पहला भी ऐसा हुआ था 2011 का जो अटैक हुआ था, ठीक है, सितंबर 9/11 जिसको बोलते हैं, 9/11 का अटैक जो हुआ था, उसमें भी जो अलकायदा के मेंबर थे 19 में से 15 लोग सऊदी अरेबिया के ही सिटीजन थे। तो इससे पता चलता है कि देखिए इवन जो यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशन काफ़ी डीप हो चुके हैं 9/11 अटैक के बाद, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें क्यों मिल रही हैं, कि सऊदी अरेबिया के लोग क्यों कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हेट करते हैं, ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कह रहे डोनाल्ड ट्रंप ने तो देखिए साफ साफ बोला कि वो ईरान को कंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सऊदी अरेबिया उनका बहुत बड़ा सपोर्टर है, और उसके लिए वो हमेशा हर चीज़ कोशिश करते हैं कि कैसे भी उनकी मदद की जाए। लेकिन ये बोल रहे काफ़ी जो लॉ मेकर हैं यूएस में, उन्होंने साफ साफ बोला कि देखिए ये ठीक नहीं है, आप ज़्यादा ही जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा जमाल खशोगी 2018 में, ये पूरा हमने न्यूज़ डिस्कशन देखा था कि जमाल खशोगी जो सऊदी अरेबिया के ही एक पत्रकार थे, उनको जो है एम्बेसी के अंदर बुला के, ठीक है, और उनको जो है मार दिया गया, उनकी बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और इसमें कौन इन्वॉल्व था, सऊदी अरेबिया के ही ये जमाल खशोगी थे, सऊदी अरेबिया के किंग ने ही इनको मरवाया, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के किंग के अगेंस्ट कुछ कुछ चीज़ें लिखते रहते थे। इसके ऊपर काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म हुआ सऊदी अरेबिया का भी, यूएस का भी, लेकिन यूएस ने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखिए सऊदी अरेबिया की फोर्सेज जो है यमन के अंदर भी लड़ रही, यमन के अंदर इतनी ज़्यादा गरीबी और भुखमरी हो चुकी है, यानी कि लोग जो है वहाँ रहना त्रस्त हो गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है वॉर चल रहा है, और सऊदी अरेबिया इसमें जो है पूरा अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। ये कह रहे हैं देखिए इस तरह की जो ये शूटिंग वगैरह होती है, या फिर कुछ लोगों की जान ले ली जाती है गन फायर वगैरह से, ये कह रहे हैं कि इससे यूएस और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री टाइज तो खराब होंगे ही होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं जियोपॉलिटिकल सेटिंग्स की बात करें उसमें भी पूरे रिलेशन को काफ़ी असर पड़ता है। ये कह रहे हैं कि देखिए 2000 अमेरिकन ट्रूप्स अभी भेजे गए थे ताकि ईरान को किस तरह जो है ईरान को कंटेन किया जाए, उनको रोका जाए। उसके अलावा देखिए एक और चीज़ बताते हैं कि देखिए ये जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए सऊदी अरेबिया कोई काम नहीं कर रही है। सऊदी अरेबिया को ये बात समझ नहीं आ रही है कि यूएस इतना सपोर्ट करने के बाद भी वो लोग क्यों जो एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ रहा है उसको कम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके अलावा सेकंड इशू बताते हैं कि कहते हैं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यूएस की भी है। यूएस के अंदर जो गन के रूल्स हैं, ठीक है, बंदूक लेने के रूल्स हैं वो काफ़ी इजी हैं, यानी कि बंदूक बहुत इजीली खरीदी जा सकती है और वहाँ पे मिलती है, लीगली मिलती है। देखिए हमारा जब संविधान बना था तो हमारे यहाँ पे भी डिबेट हुआ था कि क्या गन जो है वो लीगली सबको अलाउ करना चाहिए कि वो गन रख सकता है, लेकिन बाद में इस प्रोविज़न को नहीं जो है लागू नहीं किया गया, काफ़ी डिबेट हुआ था। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस के अंदर अलाउ किया जाता है। ये कह रहे काफ़ी बार तो जो है काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल बनाने की बात हुई, लेकिन कुछ रिपब्लिकन पार्टी है या ट्रंप है, उन्होंने
साफ साफ अपोज किया कि स्ट्रेंजेंट रूल नहीं बना सकते, कंट्रोल जो गन का गन कंट्रोल रूल्स हैं उनको बहुत कठिन नहीं बना सकते। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि यूएस की भी इसमें गलती है कि उनके जो गन्स के रूल है काफ़ी ईजी हो जाते हैं और इसकी वजह से लोग गन भी खरीद लेते हैं और वो जिन पर अटैक करना है वो कर लेते हैं। फाइनली कहते हैं कि देखिए ये जो रेडिकलिज्म का इशू है, ठीक है, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। सेकेंड जो गन रूल्स है उनको भी चेंज करना पड़ेगा यूएस को। तो इस तरह आप सिर्फ दूसरे पे जो है उसका जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए ये है अभी जो आपको पता है कि पूरा जो हैदराबाद के अंदर पूरा केस हुआ, ठीक है, रेप का केस हुआ, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी, मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि आर्टिकल में ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी एंग्री रेस्पॉन्स देखने को मिला, ठीक है, सोसाइटी से रेस्पॉन्स ऐसा देखने को मिला, मीडिया से ऐसा रेस्पॉन्स देखने को मिला, पार्लियामेंटेरियन हो या स्पोर्ट्स अथॉरिटी हो या फिर कोई भी एक्टर्स हो, काफ़ी लोगों ने जो है ये बात बोली कि इंस्टेंट जस्टिस होनी चाहिए, जो रेपिस्ट है उनको पब्लिक लिंचिंग होनी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड उठने लगी कि स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए ये पूरी चीज़ इसे में यही बताते हैं, ये कह रहे जब ये सब हुआ, ठीक है, एनकाउंटर हुआ तो काफ़ी हीरो की तरह अप्रिसिएशन दिया गया पुलिस को, लेकिन ये बोलते हैं कि देखिए लार्जर पिक्चर हमारे माइंड में आनी जरूरी है, ये हम शॉर्ट साइटनेस नहीं देख सकते। ये कह रहे हैं कि ठीक है जस्टिस इस तरह दी गई आपने, लेकिन आपको पहले ये देखना चाहिए था जिस पेन और जो ग्रीफ से जो फैमिली गुजर रही है उसको कैसे कम करने की कोशिश की जाए। सस्पेक्ट को जो है प्रॉपर तरीके से, जो अक्यूज्ड है उनकी ट्रायल चलनी चाहिए थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टाइमली होना चाहिए था, कंपिटेंट तरीके से होना चाहिए था। ये बताते कि देखिए चैलेंजेस हैं, बात ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस में जो है काफ़ी प्रॉब्लम है, पुलिस की बात करें तो उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, और ये केस हमें जो है 2012 का जो निर्भया कांड है उसमें भी देखने को मिला कि 7 साल हो गए जस्टिस नहीं मिला है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बोली गई थी कि स्ट्रेंजेंट लॉ होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, जो उसके बाद जेएस वर्मा कमेटी बनी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो एक्ट है 2013 में वो आया जिसको निर्भया एक्ट भी बोलते हैं, लेकिन हुआ क्या, उन चीजों को तो मान्य नहीं किया गया, इतना डिबेट हुआ। फाइनल हम लोग जो है फाइनल हम हमेशा फाइनल हम यही इस चीज पे आ जाते हैं कि हमें जस्टिस जो है मिलनी चाहिए, लोगों को जस्टिस मिलनी चाहिए, इंस्टेंट मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये चीज नहीं देखते जो इतनी कमेटी बनी जिसने रिकमेंडेशन दी उस पे हमने क्या काम किया, जो लॉ बनाए उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है प्रॉपरली, जो स्पीडी जस्टिस होना चाहिए वो मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि सरकार अपना काम नहीं कर रही, सिर्फ लोगों के सेंटीमेंट्स देख के ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाती है, उनको पता है सेंटीमेंट्स ऐसे हैं, आप भी ऐसी स्टेटमेंट दो ताकि जो है अपना फायदा पॉलिटिकल बेनिफिट वो लोग उठा सके। देखिए पॉलिटिशियन को इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब पॉलिटिशियन ही लॉ बनाने वाला है और उसी को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है चीज़ें और क्या चेंजेस किया जाए, तो वो कैसी भी डिमांड जो है करने लग जाते हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए पुलिस सिस्टम में भी चीज़ें हमें देखने की जरूरत है। देखिए पुलिस में ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से पूरा जो है देश चलता है, ये फिर मॉरल और एथिक्स जो आपके हैं इससे देश नहीं चलता है। ये कहते हैं आर्टिकल 21 में भी बोला हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, यानी कि किसी भी इंसान की जिंदगी नहीं ले सकते, पर्सनल लिबर्टी उसकी नहीं जो है ख़त्म कर सकते, अगर करना भी है तो कुछ भी करना है तो लॉ के तरीके से होगा जो कि फंडामेंटल है, कोई भी और तरीका जो है फालतू का तरीका नहीं अपना सकते। देखिए पुलिस को आप इतना जो है सपोर्ट किया गया, लेकिन पुलिस अगर टाइमली एक्शन लेती, पुलिस के पास जब फैमिली गई थी कि इस तरह का केस है, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने जो है पूरी एक देखिए FIR लिखने का भी तरीका है, 0 FIR होती है अगर किसी एरिया में वो इंसिडेंट हुआ है लेकिन वो एरिया उस थाने के अंदर नहीं पड़ता तो 0 FIR लिख सकते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं फॉलो की गई, तो पुलिस ने तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया। अगर पुलिस वहीं पे एक्शन ले लेती तो शायद उनकी उसकी जान भी बचाई जा सकती थी। तो कह रहे पुलिस को भी है, पुलिस भी अगर काम कर रही है, उस ऑफिशियल है, गवर्नमेंट है, सभी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी को कि इनके पास एक्सेप्शन है ये अलग तरीके से काम कर सकते हैं। फाइनली बोलते हैं कि देखिए बात करें कि ऐसा जो है सलवा जुडुम केस में भी देखा होगा, देखिए सलवा जुडुम एक फोर्स बनाई गई थी, ठीक है, किससे डील करने के लिए, माओविस्ट से, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। तो यहाँ पे भी बहुत ऐसे केसेस देखने को मिलते थे, अननेसेसरी लोगों को जो है मार दिया जाता। छत्तीसगढ़ का भी केस हमने देखा कि कैसे जो है पूरी कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें पता चला कि जो
एक्शन लिया गया था नक्सलाइट्स के अगेंस्ट, वो उसमें नक्सलाइट्स थे ही नहीं, काफ़ी तो बच्चे माइनर माइनर उसमें बच्चे थे, ठीक है। तो ये भी एक इशू बताया। उसके बाद कहते हैं पुट्टो स्वामी केस 2017 का, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में रखा गया, इसमें कहा कि देखिए ये बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं है, ना ही इसको जो है आप इस तरह जो है कोई इमरजेंसी आ जाए तब भी आप जो है इमरजेंसी के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, और इसकी ये ड्यूटी सभी की है, सिर्फ पुलिस की ड्यूटी नहीं, ये सभी की ड्यूटी है। ये कह रहे हैं कि देर इज नो लॉ इन फोर्स इन इंडिया दैट ऑथराइज द, पुलिस को कोई लॉ नहीं मिला हुआ मारने का, तो पुलिस ने मार दिया तो पुलिस ने भी तो गलती की है ना, पुलिस को भी अधिकार नहीं था ये चेक करने का। ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी, देखिए फाइनल इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो पब्लिक मोरालिटी को जो है हमेशा रिप्लेस करती है। पब्लिक मोरालिटी क्या कह रही है ये मैटर नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कह रही है ये जरूरी है। ये कह रहे हैं ये आसान नहीं है, नेचुरल सेंटीमेंट्स आते हैं लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट रिप्लेस पब्लिक मोरालिटी, ठीक है। और तो वही सब चीज़ें बार बार बोली गई है, कुछ खास उसमें है नहीं। तो आपको भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरह अपना आंसर फ्रेम करना है, आप ये चीज़ जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते आंसर के अंदर कि जो एनकाउंटर हुआ वो ठीक था, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। नेक्स्ट है, देखिए इमोशंस पे मैं बात नहीं करूंगा, इमोशंस अलग चीज है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एशियन इंजन ड्रिवन बाय इंडिया एंड चाइना, कैसे इंडिया और चाइना जो दोनों कंट्री हैं उनको साथ मिलकर आना चाहिए और कैसे जो है पूरी जो इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कह रहे हैं पूरा वर्ल्ड की अगर बात करें तो काफ़ी जो है चेंज नज़र आ रहा है। ट्रेडिशनली ये बात करें कि पहले कुछ और चीज़ें होती थी और आज चीज़ें बहुत कुछ डिफरेंट हो गई, काफ़ी जो है सिक्योरिटी या ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिलते हैं, जैसे इकोनॉमिक हो गया, मिलिट्री कॉम्पिटिशन, क्लाइमेट चेंज, पायरेसी, रेडिकल आइडियोलॉजी, साइबर थ्रेट्स, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनर्जी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, यानी कि हर जगह जो चैलेंजेस है, जो थ्रेट्स है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो है एक तरह से अगर बात करें, देखिए एक और बात कहते हैं, ये कहते हैं पावर, ये कहते हैं इकोनॉमिकल पॉलिटिकल और मिलिट्री, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको जो है यानी कि बैक स्टेज पे जा रही है और ट्रेड और टेक्नोलॉजीज पे काफ़ी जो है कंपटीशन नज़र आ रहा है। देखिए ट्रेड वॉर हुआ, वैसे तो दोनों चाइना और यूएस अगेंस्ट है एक दूसरे के, लेकिन ट्रेड वॉर से चीज़ें चलने लगी, टेक्नोलॉजिकली जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती है, नेशनलिज्म और रीजनलिज्म वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से जो मल्टीलेटरलिज्म होता है वो कम होता जा रहा है, जबकि देखिए मल्टीपोलैरिटी होती है यानी कि एक पोल एक नहीं रह गया, पहले यूएस एक पोल था, अब वैसा नहीं रह गया, अब अलग अलग कंट्रीज इमर्ज कर रही है, लेकिन मल्टीलेटरलिज्म उतना नहीं हो रहा, मल्टीपोलैरिटी देखने को मिलती है, नेशनलिज्म और रीजनलिज्म ने काफी जो है पूरा कंट्रोल किया हुआ है आज का जो सिस्टम है उसको। ये कहते हैं देखिए वर्ल्ड वार टू की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन ये कह रहे हैं इतने इंस्टीट्यूशन बनाए गए वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या फिर कैसे उनको काम करना चाहिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, वो चीज़ जो है बहुत ही अनसर्टेन थी और इसकी वजह से ही इतना क्योस आज देखने को मिल रहा है। ये कह रहे हैं लिबरल ट्रेडिंग होनी चाहिए लेकिन आज क्या हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, यानी कि एक कंट्री चाहती नहीं कि दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पर आके गुड्स बेचे, ठीक है। यूएस के अंदर आपने देख लिया होगा जीएसपी, हमने देखा जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, उसको हटा दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो दिया हुआ था, तो इस तरह की प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिलता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो है उसको यूज किया जा रहा है। देखिए एक एग्जांपल बताते हैं, इंडिया का जो है सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो करीबन 29 बिलियन डॉलर है, ठीक है, यूएस मार्केट में, और फार्मा प्रोडक्ट्स की बात करें जेनरिक ड्रग्स में तो उसका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी है, 20% जेनरिक ड्रग्स जो मेडिसिन है वो इंडिया की जो है यूएस के अंदर जाती है, लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना में नहीं जाती, जबकि चाइना के जो चीप इंपोर्ट करते चाइना से जो गुड्स आते हैं वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कैसे देखिए चाइना जो है ब्लॉक करती है जो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको। ये कह रहे हैं कि मूवमेंट की बात करें काफ़ी जो है हमारे यहाँ पे टैलेंट, देखिए सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, हमारी 60% GDP सर्विस सेक्टर से ही आती है, तो हम ज़्यादा काफ़ी अच्छे से जो है उसके अंदर हमारी पावर है, कमांड है, लेकिन दूसरे कंट्रीज उस चीज़ को अलाउ नहीं करते, ठीक है। रिकैप का अभी पता है कि इंडिया ने देखिए साइन करने से मना कर दिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें भी कुछ ऐसे कंसर्न थे कि दूसरे देशों से जो गुड्स आएंगे वो तो हम तैयार हैं लेकिन हमारे जो सर्विस सेक्टर में अलाउ करना चाहिए मूवमेंट, या फिर हमारे जहाँ टैलेंटेड जो आईटी के जो लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाके जॉब कर सके, वो आप लोगों ने अलाउ नहीं किया, तो क्यों हम जो है रिकैप को साइन करें। तो ये जो इंडिया के कंसर्न थे इनको ध्यान में नहीं रखा गया। ये कह रहे हैं जियो पोलिटिकल कंसिडरेशन की बात करें तो आज के टाइम में मैंने कहा कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है ये काफी बड़ी जो है एक तरह से
इम्पॉर्टेंट सिनेरियो रहता है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए। ये कह रहे हैं चाइना इकोनॉमिकली बहुत राइज कर रही है। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन की बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है बढ़ गई है। लेकिन ये कह रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी स्लोएस्ट पेस पे चल रही है, 3% के आसपास जो है 2019 में, जो कि एक तरह से स्लोएस्ट पेस था ग्लोबल इकोनॉमी का। ये कह रहे हैं कि देखिए मोमेंटम की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में अब ये प्रॉब्लम बताते हैं ऑब्स्टेकल क्या है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी स्लो जो हो गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, इन्वेस्टर्स और बिजनेस जो है बिजनेसमैन से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन में है, मार्केट भी जो है उसी हिसाब से काफ़ी डाउन नज़र आ रही है, ग्रोथ की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती जा रही है, जो लोग हैं वो काफ़ी बूढ़े होते जा रहे हैं एडवांस इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो प्रॉब्लम्स है वो कंपाउंड हो गई, यानी कि बहुत मल्टीपल तरीके से प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेकिन अगर चाइना की बात करें, देखिए चाइना की इकोनॉमी भी जो है एक तरह से चाइना बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे, यानी कि आज के टाइम में इतना जो है अच्छे से पेस पे नहीं चल रही है। अब ये कहते हैं ग्लोबल इंजन की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो पिछले 3 डिकेड्स में यानी कि 30 साल में शिफ्ट हो गया है एशिया की तरफ। ये कह रहे हैं फर्स्ट टू पहले एशिया पैसिफिक पे गया और अभी इंडो पैसिफिक पे जो है शिफ्ट हो गया है, यानी कि साउथ एशिया का भी रोल काफ़ी इमर्ज होने लगा है। ये छोटी छोटी कंट्री चाहे बांग्लादेश हो और ये सब जो है काफ़ी ग्रो करने लगे हैं और इनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं देखिए ऑटोमेशन का टाइम आ गया है, ठीक है, कंट्री जो है अलग अलग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रही है, इंडिया भी काफ़ी रिफॉर्म कर रही है ताकि जो है स्किल लेवल को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी जो है फोकस किया जा रहा है, डेवलपमेंट को फोकस किया जा रहा है जो कि पहले इतना नहीं होता था। ये कह रहे थे कि चाइना की इंडिया की, अब ये पूरा टॉपिक के ऊपर आता है कि देखिए इंडिया और चाइना जो है ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये इनका जो है फ्यूचर पूरा इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये कह रहे हैं कि इंडिया भी काफ़ी कोशिश कर रही है अपनी नॉलेज बेस्ड और स्किल जो है सपोर्टेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी जो है बनाने के लिए, ताकि हमारा ट्रेड भी बढ़ सके और हम भी जो है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सके। ये कह रहे हैं और हमारे पास तो देखिए ये फ़ायदा भी है, इंडिया के अंदर FDI काफ़ी आ सकती है और क्योंकि FDI रिजीम भी हमने काफ़ी जो है इजी कर दिया है, यूथ जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी यूथ है, तो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इंडिया। और चाइना जो कि देखिए इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है, चाइना कह रहे हैं चाइना बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे स्मार्ट सिटीज़ हो गया, स्किल इंडिया हो गया, तो इन प्रोग्राम में चाइना काफ़ी जो है इंडिया की मदद कर सकती है, FDI बहुत आ सकती है। बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा है, करीबन $95 बिलियन का ट्रेड है हमारा और चाइना का। हाँ ये बात जरूर है कि इनबैलेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि इंडिया जो है इम्पोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, यानी कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए जो है अभी आपको पता है कि मलल्लापुरम में जो है जो समिट भी हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है उसकी, चाइना के प्रेसिडेंट, और ट्रेड इंबैलेंस के ऊपर बात हुई थी, आगे इसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। रिकैप की कहते थे कि रिकैप के अंदर भी कुछ कंसर्न थे इंडिया के, जैसे सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया। हमारी तो जो इकोनॉमी सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी है, अगर उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा तो हमारे सेंटीमेंट्स तो उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती होती है, तो इसलिए इंडिया ने साइन भी नहीं किया। और इवन देखिए कुछ कंट्री जैसे जापान है, उन्होंने बोला कि देखिए इंडिया के कंसर्न है, उनको जो है सुनना जरूरी है, अगर इंडिया भी इस रिकैप में नहीं रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा देखिए इंडिया और भी कोशिश कर रही है, अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रही है, इंडिया चाइना वन प्लस वन फ्रेमवर्क जो है लेके आ रहे हैं, ताकि जो है दोनों कंट्रीज, देखिए ये बताते हैं फाइनली, देखिए चाइना और इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो एशिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि एशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और ये पूरा बढ़ाने का तरीका जो है इक्वालिटी से होना चाहिए, ओपन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और इससे जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी काफ़ी यूज किया जा सकता है। देखिए चाइना क्या करता है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका है, उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती और इस वजह से इंडिया इसके अगेंस्ट रहता है। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी अगर इंडिया चाइना मिलकर जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे इक्वालिटी से, ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा पूरे एशिया को, और चाइना और इंडिया को तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कह रहे चाइना की प्रेजेंस साउथ एशिया में बहुत ग्रो कर रही है, और अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो इंडिया के जो कंसर्न है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये कह रहे हमें याद रखना चाहिए पीस और स्टेबिलिटी ही जो है एशिया को ग्रो करा सकती है, अगर पीस और रीजनल सिक्योरिटी जो है पूरा अगर यहां पर ठीक नहीं रहेगी तो
एशिया फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब पूरा आर्टिकल है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई है जो आप आर्टिकल जो है आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। देखिए ये कुछ केसेस बताए हुए हैं कि किस के रेप केसेस में क्या होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है चार्जशीट रेट कितना है, ठीक है, ये तो अच्छा है। लेकिन पेंडेंसी कोर्ट का देखिए 87%, मर्डर विद रेप 90%, ऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 89%, क्राइम अगेंस्ट दलित 91%, सारे वॉयलेंस क्राइम की बात करें 80, इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है, 90% के पास पेंडेंसी है, तो कैसे लोगों का विश्वास रहेगा जस्टिस सिस्टम में। इसको जो है चेंज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, पेंडेंसी को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। चाहे इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाओ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, या फिर और जजेस को अपॉइंट करो, कुछ भी करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करो, ई कोर्ट्स लेके आओ, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर हमें लोगों का विश्वास दोबारा बनाना है जस्टिस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही था, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।